Hi guys, Namkeen Search Team is here. मैं हूँ अलीशान, मेरे साथ हैं सरेश, my name is Sadiq. और आज सादिक साहब क्या करने वाले हैं? अच्छा, रिएक्शन से पहले मैं आपको बताता चलूं, हमारा एक नया चैनल आया नमकीन सच लाइव, और इस पे हम क्या करने वाले हैं अलीशान? इस पे हम वो करने वाले हैं, जैसे कि आपने नोट किया होगा कि हम संडे को लाइव आ रहे होते हैं शाम के टाइम पे, ठीक है ना? तो इसी तरह से अब हम जो है लाइव हमारे नमकीन सच लाइव चैनल पे आएंगे, जिससे ये होगा कि आप लोग हमारे साथ आपस में बात कर सकेंगे, अपनी रिकमेंडेशंस दे सकेंगे, अपने सजेशंस दे सकेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे उस वक्त. और हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको एंटरटेन कर सकें. बट वो कौन से चैनल पे होगा? नमकीन सच लाइव, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है. तो हम अपनी वीडियो पे आ जाएं. यस, आज हम लोग एक गाने पे रिएक्शन देने वाले हैं, वो है तुम ही आना, और मूवी है मर जावा. ये मूवी का हमने आई थिंक ट्रेलर दिया है ना, और ये जो फिल्म है इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा है, रितेश देशमुख है, और तारा सुतारिया है, और इसको डायरेक्ट किया है मिलाप जवेरी ने. और ये फिल्म 8 नवंबर को रिलीज हो रही है. अब ये फिल्म इतनी स्पेशल इसलिए क्योंकि इसमें सिद्धार्थ और रितेश तकरीबन 5 साल बाद रीयूनाइट हो रहे हैं. एक विलन में आए थे लास्ट टाइम. हां हां हां, बिल्कुल एग्जैक्टली. और ये और इसमें मेन कैरेक्टर रितेश विलन का ही रोल कर रहे हैं ना, लेकिन वो इसमें आधा विलन बना है, वो छोटा सा बना है अगर आपने देखा हो तो. हां, हाइट छोटी है इसमें, तो आधा विलन है. अच्छा, आधा विलन है. इसमें से गेम लग भी रही है मूवी, जब मैंने ट्रेलर देखा था उसमें एक विलन का ही वो ना एक मूवी का दाढ़ी वाड़ी बढ़ाई हुई है इसने, लेकिन साइज वाला आधा विलन है, लेकिन जो उसकी दहशत है वो डबल हो गई क्योंकि इस बार इसके पास पूरा गैंग है. उस टाइम अकेला था और अकेला इतना भारी पड़ गया था सब पे वो, और इस बार ये डबल, मतलब ये अलग ही, मतलब जो रोल लेकर रितेश को मैंने इस तरह के रोल में कभी नहीं देखा. कभी इवन मैं रितेश को विलन के रोल में खाली एक विलन में ही देखा था, इसके बाद मैंने नहीं देखा कभी. कॉमेडी मूवीज में देखा था ये स्पेसिफिक विलन, उसमें ही वाज मोर ऑफ अ एंटी हीरो इन दैट फिल्म, एक विलन में. तो लेकिन इसमें तो बिल्कुल आउट एंड आउट विलन. अपन ने से रिमेनिंग वीडियोस बात की थी कि रितेश जो है वो हर वीडियो में एडजस्ट हो जाता है, हर उसमें मूड में, हर एक्टिंग में एडजस्ट हो जाता है, हर जॉनर में फिटिंग कर जाता है. अब देखें इसमें क्या होता है, ठीक है? उर्दू में लिखा है, लिखा मैं ही बोलने वाला था. सिद्धार्थ लिमिटेड फिल्में करता है लेकिन बड़ा अच्छा लगता है. अच्छा लगता है वो. और ये लव स्टोरी के ना एडजस्ट भी कर जाता है बहुत मजे से कर जाता है. आई थिंक ये इसमें वो है बोल नहीं सकती है इस तरह से मैंने. समझ में नहीं आया.
ये बहुत बड़ा सस्पेंस रखा है इन्होंने. अब ये फिल्म देखेंगे तो समझ में आएगा. एग्जैक्टली बहुत उन्होंने सस्पेंस रखा है. अभी यहाँ पे इवन हम जैसे सॉन्ग सुन रहे तो हमारा भी यहाँ पे माइंड ही चेंज हो गया कि ये हुआ क्या है. मतलब स्टार्टिंग से इतना ब्लैंक कर दिया उसने. बिल्कुल लव स्टोरी चल रही थी कि मिले, फिर बात की, फिर शादी हुई और फिर मार दिया. अब ब्लैंक, अब हमें भी खुद ब्लैंक कर दिया. अभी ये मूवी जब रिलीज होगी तो हमें भी पता चलेगा ये कहां ही किया है. मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया इस पे हुआ क्या एंड में. आई डिडंट गेट एनीथिंग. यहां पर गाना बहुत ही प्यारा था, बहुत ही खूबसूरत गाना था. मतलब बहुत अट्रैक्ट करते बस सुनते रोज गाने को बिना कुछ कहे. बहुत अच्छा गाना था, बड़ा मजा आया सुनने. गाना सुनने मजा आया बट स्टोरी वाकई ब्लैंक कर दिया. हां स्टोरी मुझे समझ में नहीं. अब स्टोरी देखेंगे तो समझ आएगा. ये इन्होंने काफी इंटेलिजेंटली बनाया है. आई होप अच्छी होगी. इंटेलिजेंटली बनाया है और इस तरह से चीजें ये लोग पब्लिश कर रहे हैं कि व्यूअर्स को और कंफ्यूज कर रहे हैं कि ताकि और क्यूरियोसिटी क्रिएट हो. एग्जैक्टली. और वैसे ही क्योंकि इस कास्ट की वो एक विलन के थ्रू उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी बनी हुई है तो जाहिर है लोग अब देखना चाहते हैं इस पे. एक्चुअली एक एक विलन के गाने भी इतने अच्छे थे और इतने अच्छे सारे मतलब कास्टिंग हुई भी थी और इतने सब कुछ बैकग्राउंड होता इतना अच्छा था. ये भी वैसा ही चल रहा है स्टेप बाय स्टेप देखा जाए पर समझ में फिर भी नहीं आ रहा है ये बताइए क्यों मार दिया. हां अभी देखना पड़ेगा. यस चलो कोई बात नहीं. अभी नेक्स्ट और भी गाने आते हैं तो और भी मालूम पड़ता रहेगा क्या क्या होने वाला है. तो गाइस आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और वो बेल आइकन को या डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. और प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि कौन से वाले गाने आपको अच्छे लगते हैं जो हम भी सुने और हम रिएक्शन दे सकते. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.